यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रही होंगी। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सब लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस एक ही टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, भारत माता की जय। वैसे वो मैंने सब कुछ दोस्तों यहाँ पर करा है, एक इंसिडेंट वगैरह यहाँ पर हुआ था और वो जस्ट एक व्लॉग आने वाला है। तो एक ही वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पर जाकर देख ली। तो थोड़ा सा पंगा वंगा हो गया था शहर वगैरह के अंदर, तो वो क्या चीज़ है पूरा का पूरा सिनेरियो देखना चाहते हो तो 11-12-1 तक जो है व्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ यार वॉच कर लेना, ठीक है ना। तो या खैर हम टॉपिक से आगे नहीं बढ़ते हैं। मेनली आज के इस वीडियो का बेसिकली टॉपिक ये होने वाला है। अगर आप सभी लोग ये बोलोगे कि आज भाई कहाँ वो थे, तो मतलब एक ना चेक था और इंसिडेंट में यहाँ पर आपको बताओ दोस्तों, शोरूम के ऊपर से यहाँ पर 10 से 15 सुपर बाइक्स जो है एक डीलर के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने बेच दी हैं, ठीक है ना। प्लस हमारा एक नया मेंशन जो कि पहले जब हमारे पे एक 47 हुआ करती थी उस टाइम का जो दोस्तों अपना मेंशन था ना गाइस, हमने वो वापस ले लिया। बट वो वाइट कलर का है, हम उसको रेड कलर करवा देंगे। पेंटर से एक मेरी बात चल रही है, वो करवा देगा। फिलहाल ZX10R ये रही और ZX10R को दोस्तों यहाँ पर कावासाकी ZX10R को उसको जो मॉडिफाइड वगैरह देखना, इसके अंदर कस्टम एग्जॉस्ट वगैरह लगता है या नहीं, क्योंकि कंपनी वाला एग्जॉस्ट इस बाइक के अंदर जो फिलहाल लगा हुआ है तो उतना ज्यादा पावर में सही नहीं है। चलिए ठीक है ना, वो कराते हैं। तो गाइस प्लीज यार आप सभी लोग सोइएगा मत, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो चलिए भाई, बहुत ही मस्त चल रही तेरी ऐसी तैसी। बहुत सारे लोग ना मुझे बताऊँ क्या बोलते हैं, कैश भाई जो ये बाइक्स वगैरह होती है ना, एक बारी हमें ना इससे चला के दिखाओ यार, इससे तुम्हारे भाई को बहुत खतरनाक प्रैक्टिस है यार, हार जाओगे तुम। आई मीन यार क्या क्या बोल रहे हो तुम, मैं एक हाथ से चला सकता हूँ यार गाड़ी और बाइक को चलाने के हाँ मैं किडिंग कर रहा था, आई नो दैट के बाइक भैंस के पजामे इधर। अब आप पहले से रहते हैं शहर में आया पड़ा यार। ओ शिट भाई यार, पुलिस पुलिस कहाँ से पड़ गई यार मेरे पीछे दोस्तों। चलो यार निकलते हैं फिलहाल अभी इस लोकेशन से यार। यार यहाँ की जब से वीडियो देख रहे हो ना, शायद से पहली बार हुआ होगा ये। अब इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा इस बाइक का भी, बारिश वगैरह आ रही है। शायद से पहली बार ही आपने ये वाला इंसिडेंट देखा होगा कि $5,000 भी कट गए यार बेपाल। जब जिंदगी चली जाती है ना फिर बंदे पछताते हैं, थोड़े से गुस्से में तेज़ बाइक चला लेने से, थोड़े से गुस्से में कुछ भी काम कर लेने से ना, फिर बाद में जब पछतावा होता है ना थोड़ी देर के बाद ही होने लग जाता है, ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये गलत सीन हो गया। चलो फाइनली दिस इज अ ऑटोमेटिक व्हीकल, लेट्स गो आराम से। यार बारिश कितनी भाई साहब, विंडर स्टॉर्म कितनी ज्यादा खतरनाक है। खैर विंडर स्टॉर्म जो है क्या कहता है, इस वाले इलाके में ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ों की तरफ जो है थंडरस्टॉर्म कुछ ज़्यादा खतरनाक देखने के लिए मिलती है, ऐसा है मेरा मानना है, आप कमेंट करिए बताना, ठीक है ना। थैंक यू फिर सर, टायर्स कितने ज़्यादा कुछ ज़्यादा स्लिपरी टायर्स नहीं हो रहे दोस्तों। अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ इम्पाउंड यार्ड जहाँ से वो ZX10R को उठा के ले गए होंगे यार वहाँ से। अरे यार क्या हो गया, ध्यान कहाँ है मेरा। चलो वो देखो मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर कितने ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर थंडर स्टॉर्म दोस्तों लग रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्लिपरी रोड हो रखे हैं गाइस। एंड तक पूरा वीडियो को देखना प्लीज़ यार, सोना वोना मत, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बस सो गए ना, खतरनाक खटिया खड़ी कर दूँगा। चलो वहीं आ जाऊँगा वहीं, चलो चलते हैं जल्दी से।
अपनी गड्डी जांदी है छलांगा मारदी ओ मेनू याद आई उतरी भाई साहब क्या पुराई है तुम्हारे भाई यहाँ से गाड़ी तो चलो जल्दी से उसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले इम्पाउंड यार्ड वहाँ से उठाते हैं जेड एक्स्ट्रा ना और उसको मॉडिफाइड करवाते हैं, फिर उसके बाद सीधा हम चलते हैं दोस्तों घर पे, ठीक है ना। प्लीज़ यार सोना मत, पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना वरना बस घटिया घड़ी हो जाएगी, ठीक है। और वहीं आके करूँगा, चलो भाई गाड़ी घटिया पता नहीं किसी की है, बट तुम सो ना मत, तुम पूरा वीडियो को देखना मजा आएगा। चलो आ जाओ वे जेड एक्स्ट्रा ना शायद उस कोने के पीछे चलेगा, इस चलते हैं। ऐ जाते हुए लम्हों आज ना 15 अगस्त है तो हम ना कोई ऐसे गाना गाएंगे, मैं भी तो चलता हूँ चल उनसे मिलता हूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ मैं जाते फिल्म हो चलो अपनी जेड एक्स टेनर भगाओ, जेड एक्स टेनर भाग रही है बहुत अच्छे से तो चलूँ तो चलूँ सोना मत गाइस यार प्लीज़ यार, आज 15 अगस्त है, थोड़ा सा तो अपने देश के बारे में भी सोचो यार, लोग आज दिन में सोचा जाते हैं, सोना वोना मत, आज पूरे दिन मजे लेने हैं ब्रो, पूरे दिन तुम्हारा भाई मजे करेगा बाइक को अपनी, पूरे दिन बिरान रति उल्टू रुकना नहीं घर में, एक मिनट को भी नहीं बैठेगा तुम्हारा भाई, सुबह ही निकल जाएगा 10 बजे। वैसे अंडे का पराठा किस किस में खाए कमेंट करके बताओ। आर्मर लगवाना है $25,000 का, ठीक है, औकात से बाहर। इन रेस ब्रेक्स बेसिकली ओ माय गॉड कार्बन मड गॉड भयंकर कार्बन फाइबर यार, कार्बन फाइबर तो लगवाना है ऑब्वियसली बात है यार, सोना मत यार गाइस प्लीज वरना आ रहा हूँ इधर, यहाँ अगर सो गए तो मैं समझूंगा बस, समझ रहे हो ना। एग्जॉस्ट SC प्रोजेक्ट इसके ऊपर कहाँ जाएंगे यार हम। एग्जॉस्ट लाइट्स प्लेट प्लेट तो नहीं, ओ तेरी भाई साहब 10R का पूरा ये भी चेंज हो सकता है कि जेड एक्स्ट्रा ना, ब्लैक ब्लैक अच्छी नहीं लगती यार मुझे, ग्रीन आई लव दैट। प्लीज़ यार गाइस प्लीज़ आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, प्लीज़ थोड़ी सी बात मान लो, हाँ जा मान लो वरना रैपट बजेंगे अपनी गड्डी निकल गई है। कुछ लोग हैं बेवकूफ जो सो जाते हैं और बाद में खड़ी जब खड़ी करूँगा ना फिर पता चलेगा उन्हें, ये देखो बैक पैर कैसे मार दिया गाड़ी, देख रहे हो SC प्रोजेक्ट लगवाने का था, नज़ारा ही आ गया। चलो अब गाइस सबसे पहले यार मैं ना भैंस का पूछ, तेरी भैंस की पूछ, क्या गाड़ी चल रही है, बट यार गाड़ी ना पावर टू वेट रेशियो बहुत ही ज़्यादा फेसिंग है, देखो यार ये टेनार है यार जेड एक्स टेनार, कहाँ यार ये हमारे बस की थोड़ी ना यार ये गाड़ी, ये बहुत आई मीन ऊपर लेवल के दर्जे की बाइक है, समझ गए। ABS ऑफ करके ना इसको ट्रैक्शन कंट्रोल से हटाकर गाड़ी को मुझे ऐसे चलानी पड़ रही है, रेन मोड बस इसके अंदर कोई रेन पेन मोड नहीं है। वैसे लोग बाग बोलते हैं कि अगर तुम्हारी बाइक में ABS ना हो ना तो तुम एंटी ब्रेकिंग लॉकिंग सिस्टम ना हो तो तुम बारिश में गिर जाओगे, देखो स्लिप मार रहा है तुम्हारा भाई, व्हील लॉक हो रहा है, देखो ABS नहीं है मेरी बाइक के अंदर, रॉ पावर पूरी रॉ पावर है कि तुम्हारे भाई की एंटी में भाई, मजे लेने जाता मैं ज़्यादा मजे लेके चला दूँ वरना गिर भी जाऊँगा फिर फालतू तो में चोट फेट लग जाए, है ना। चुपचाप अपनी कोठी दिखाने चले, तुम्हारे भाई ने कोठी ली है जो, नताशा जी के साथ रहूँगा, पर आजकल नताशा जी पता नहीं कहाँ है बिचारी, पहले ना बोलती थी अब गूंगी हो गई वो नताशा, नताशा जी को तो पता भी नहीं होगा कौन कौन सी गाड़ी थी क्या था क्या नहीं था, नताशा जी के दिमाग से निकल गई हर चीज, पागल हो गई नताशा। चलो
असल में यार मैं देखो सही बात बताऊँ, मैं तशरी को दुबई भेज रखा है, मैं उनका बिजनेस सेट करवा दिया मैंने, प्लस एक शेख भी सेट कर रखा है उन्होंने, तो पैसे उतार रही है भी, पैसे उतरवाने भेजा मैंने डार्लिंग हल्दी करके आए से। तो गाइज अपने पूरे वीडियो में देख लिया आपने, तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि अपने घर का नंबर क्या है, ठीक है? जो जो कमेंट करके बताएगा मैं उसको कमेंट को हार्ड करूँगा जल्दी जल्दी से। तो गाइज एंट्रेंस को सब चेंज हो गई है अपने घर की, ये देखो क्या मस्त लग रहा है। चलो और यहाँ से दोस्त ये चीज़ भी चेंज कर दी गई है, जिस बंदे ने घर खरीदा था ना उसने भाई थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर दी इस घर के, देख रहे हो थोड़ी सी यार बहुत कस्टमाइजेशन कर दी। ये है भाई इंटीरियर, क्या मस्त इंटीरियर है। गाइस नींद तो नहीं आ रही ना आपको वीडियो में मेरी, कभी ऐसे कर रहे हो पर मुझे पता चल जाता है। चलिए चलते हैं, तो सामने वाले गेट से यार मैं चलना चाहूँगा। माय गॉड शिट यार, इतनी ज़्यादा भयंकर यार लोकेशन कर दी है। मच्छी छोड़ूंगा यार इसके अंदर कसम से। यार इस वाले घर में ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई, मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी लगा रखी थी। एक टाइम हुआ करता था जब मैं बहुत अमीर था, अब तो गरीब हो यार मैं बहुत, कुछ नहीं रहा तुम्हारे भाई के पास। अब फ्रैंकलिन निज़र अंडुआ, हाँ ये कह सकते हो आप। चलो खैर बाकी दोस्तों मेरे घर के अंदर बाकी सारी की सारी चीज़ें वो हैं क्या कहते हैं नॉर्मल, तो बस यार थोड़ा सा मेटालिक टाइप का ये जो है इंटीरियर वगैरह तुम्हारे भाई ने कराया, किचन वगैरह और ये फ्लोरिंग वगैरह चेक करो। और यहाँ पर मछलियों का मैं छोड़ रहा हूँ, मछलियाँ वगैरह मैकडोनल्ड्स, सारे के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली वगैरह हो गए हैं। तो दोस्तों ये मेरे घर का ना 2.0 वर्जन है, जिस बंदे ने घर लिया था उस भाई ने पैसा लगाया भाई घर के ऊपर, कसम से बता रहा हूँ पैसा लगाया उसने घर के ऊपर। यार दरवाजे कहाँ थे भाई पहले, ये पेड़ भी नहीं थे, कसम से पैसा लगा हुआ है भाई घर पे, पैसा तो लगा हुआ है भाई घर पे, मस्त अमेजिंग अमेजिंग। तो चलूं तो चलूं। तो गाइस घर तो अपना एक नंबर हो गया भाई, बाकी ये वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है फिलहाल तो। अभी यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है, ठीक है ना। तो भाई ये कोई अंडरग्राउंड चीज़ है यार, इसके नीचे कुछ ना कुछ तो है यार, इतना गहरा स्विमिंग पूल का भाई पागल बना रहे हैं यार। राइट गाइस, तो यार यहाँ से भी अपना हाउस भाई पहले से ज़्यादा मॉडर्न, पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी ड्रोन शॉट्स अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, तो ये देखो घर के नीचे वाला इलाका भी यहाँ पर ना अपनी बोट वगैरह खड़ी हुआ करेगी, देखो ये देख रहे हो यहाँ अंदर अपनी बोट वगैरह के लिए भाई मस्त बंदोबस्त तुम्हारे भाई ने यहाँ पर करवा दिया है। और एक नंबर भाई अब अपना जो घर यार यहाँ पर लग रहा है। तो भाई आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बारी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और एक बार कमेंट करके बताना क्या दोस्तों मुझे इस वाले घर को जो है रेड पेंट करवाना चाहिए फिर वाइट में ही अच्छा लग रहा है, या थोड़ी सी बारिश वगैरह हो रखी थी आज इसलिए थोड़ा सा मतलब ऐसी रहे। बट कल ना हम ZX10R पर AK-47 लेने जाएंगे, जी हाँ दोस्तों कल ZX10R पर हम AK-47 लेने जाएंगे। तो दोस्तों कौन कौन उस जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके बताओ। बाकी यार मैं मिलता हूँ लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।